Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज जो हम लोग जो विषय लेके आ रहे हैं यू विल बी अमेज्ड क्योंकि इस पे बुक आई है कुसुमता केडिया जी की कम्युनिस्ट चाइना के ऊपर. वो बुक आप जरूर देखिएगा और पढ़िएगा, ऑर्डर करिएगा प्रभात प्रकाशन से एंड लेट अस नो योर फीडबैक. चाइना एक चीन जो है चीन वो शुरू से भारत को कर देता रहा है, उसके विषय में बहुत बार बात कर चुके हैं. लेकिन जो हमारा स्कॉलरशिप है उसके अनुसार किस तरह हमको चाइना के साथ एक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्ट तो करना नहीं चाहिए बट किस तरह हम उसको प्रोएक्टिवली एक्ट करें, आज हम यही सब सीखेंगे इस वीडियो से. सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमता केडिया जी एंड डॉक्टर शैलेंद्र कुमार. नमस्ते. सो इस विषय पे सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ओपनिंग लाइन शैलेंद्र जी दें, बताएं उन लोगों को शैलेंद्र कुमार जी कि व्हाट इज द इश्यू एंड हाउ वी शुड रिएक्ट, कैसे करें इस पे. आपका वॉल्यूम नहीं है, आपने म्यूट किया हुआ था. वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु. ये विषय ज्वलंत विषय है अभी, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश और उसके जो अनेक हिस्से हैं जहां भी कुछ नाम हो सकता है, जैसे शहर का नाम, बड़े गांव का नाम, कस्बा, उस सब का अपनी जो उसकी भाषा है मंदारिन, उसमें वो नामकरण कर रहा है. और ये नामकरण का जो चीन का इतिहास है, चीन से अच्छा होगा कहना कम्युनिस्ट चीन का इतिहास, वो माओ से लेके अभी तक वो पटा हुआ है. चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो तुर्किस्तान हो, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे वो मंचूरिया हो, सबके नाम जो है चीन ने बदले. तिब्बत का तो उसने ये हाल किया है कि तिब्बत के जो अनेक प्रांत हैं उन प्रांतों के नाम भी बदल दिए. तो नाम बदलना एक प्रक्रिया है और लक्ष्य उसका है उस भूमि पर अधिकार जमाना. तो कम्युनिस्ट चीन जो है यह काम विगत 70-75 वर्षों से, 7 दशकों से करता रहा है. और इसमें संसार की जो अनेक शक्तियां हैं वो सहायक रही हैं चीन को लेकर. तो अभी हाल फिलहाल में जब ये घटना घटी तो हमने जो देखा है वो यह है कि भारत सरकार की ओर से 2-3 प्रकार के प्रत्युत्तर दिए गए. पहला ये कि नाम बदलने से क्या होगा, दूसरा यह कि हम चीन का नाम बदल देंगे. अर्थात आप चीन की जो बिछाई हुई बिसात है, शतरंज है, उसी पर गोटियां खेल रहे हैं. तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि हम चीन को सीधा यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा तिब्बत नहीं है, तुम्हारा तुर्किस्तान नहीं है, तुम्हारा मंगोलिया नहीं है, इनर मंगोलिया से मेरा अभिप्राय है, तुम्हारा मंचूरिया नहीं है, और सबसे बड़ी बात तुम थे कहां. चीन को वही होना चाहिए जहां चीन की दीवार है. और चीन बहुत छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था. तो मैं इसमें एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं और मैं इस बात को आपके सामने पहले ही रखूं दर्शकों के सामने कि चीन पर जो विशेषज्ञता दीदी ने अर्जित की है वह भारत के विद्वानों में ही शीर्षस्थ नहीं है. इस अर्थ में मुझे ऐसा लगता है कि संसार में भी शायद ही कोई विद्वान होगा जिसकी दृष्टि और जिसकी समझ दीदी जैसी व्यापक और गहरी होगी. दीदी ने स्वयं एक किताब भी लिखी है, पुस्तक लिखी है, कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व. वो मेरे हाथ में भी है और दीदी के हाथ में भी है. यह अद्भुत रचना है
जिसको सभी बौद्धिकों को पढ़ना चाहिए। मेरा संस्मरण यह है कि मैं अरुणाचल कई बार गया हुआ हूं, ईटानगर से परिचित हूं, ईटानगर की कई बार की मेरी यात्रा हुई। एक बार ऐसी घटना घटी कि वहां की जो सरकार है उससे हमारी बातचीत हुई। बातचीत में क्या हुआ कि उन सरकार ने मुझे बताया, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं देखा करता था कि बड़े बड़े चित्र बने होते थे भगवान शंकर के, कुछ देवियों के, और ये लिखा होता था कि अरुणाचल के इस क्षेत्र में ये शंकर भगवान की मूर्ति है और ये है। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा वहां पर, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो रात दिन श्रम करके ऐसे साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं जिससे चीन के दावे को काटा जाए कि अरुणाचल उसका है। थोड़े समय बाद मैं वहां के संग्रहालय में गया, और आप तो आदित्य जी स्वयं धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी रुक्मिणी जी, वो उसी क्षेत्र से आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरुणाचल में अनेक प्राचीन मंदिर हैं और बहुत ऐसे मंदिर हैं जिनके भग्नावशेष हैं। उन्हीं भग्नावशेषों में देवियों की मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों को मैंने देखा, मन आह्लाद हो जाता है अरुणाचल प्रदेश को देख करके। शैलेंद्र जी, रुक्मी जो है, रुक्मी विदर्भ से है, उनका रुक्मी का शहर था कुंदनपुर। नहीं, लेकिन एक उत्तर भारत से, पूर्वोत्तर भारत से भी माना जाता है वो उलुपी है, अलग है वो जो पूर्वी भारत से, अर्जुन से, अर्जुन से कनेक्शन है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन देवी देवियां हैं वहां पे और देवियों की मूर्तियां हैं। हाँ। और वो प्रचुर मात्रा में मैंने स्वयं देखा। तो मेरे दिमाग में उस समय, चूंकि मैं तब दीदी से मिला नहीं था, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि चीन वस्तुतः है क्या, किस चिड़िया का नाम है, चीन करता क्या है। बाद में जो मुझे दिखा और मुझे जो मेरे अंदर एक समझ पैदा हुई, तो मुझे ये लगा कि चाहे अरुणाचल की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, और एक मिनट के लिए सरकार को भी छोड़ दीजिए, जो हमारे देश का बौद्धिक वर्ग है जिसका काम ही है शोध करना, इतिहास से, भूगोल से, अनेक अन्य क्षेत्रों से नई नई चीजों को निकालना, तो वो जब चीजें निकल के सामने आई और दीदी की अब पुस्तक आई, तो मेरा मनोबल बहुत बढ़ गया। और ये मैं मानता हूं कि हमारा जो बौद्धिक वर्ग है भारतवर्ष का, उसको अविलंब तत्क्षण इस काम पर लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? कि जो तिब्बत है वह तिब्बत ही अरुणाचल का पड़ोसी है। दलाई लामा ने अपनी पुस्तक में जब वो तिब्बत से भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, तो अरुणाचल ही आते हैं। तो अरुणाचल का जो उत्तरी हिस्सा है वो तिब्बत है और वहीं पर पास में ल्हासा है। तात्पर्य यह है मेरे कहने का कि भारत का या अरुणाचल का या अरुणाचल की सीमा से चीन का क्या लेना देना है। चीन वहां से हजारों किलोमीटर दूर था, चीन से हमारा इतिहास में कभी कोई संपर्क सीधा नहीं रहा। तो तिब्बत जो क्षेत्र है, जो दिखाया जाता है आज, वो काटा हुआ तिब्बत है। तिब्बत जो मानचित्र पर दिखाया जाता है, आप समझिए उतना बड़ा और तिब्बत है जो तिब्बत के पूर्व में है। और कांग्रेस की, अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो तिब्बत के लोग हैं वे बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमारे तिब्बत को छोटा कर दिया गया है, उस पर अधिकार जमाया, वो एक विषय। लेकिन यह भी चीन नहीं बताता कि वो तिब्बत कितना बड़ा था। तो तिब्बत एक विशाल क्षेत्र था। उसके उत्तर यदि हम जाते हैं तो तुर्किस्तान है, और संयोगवश उसी तुर्किस्तान में एक स्थान है जो आज भी है, और आज भी मानचित्रों में उसका नाम काशी है। और ये जो काशी है, यहां पर अशोक के शिलालेख है। उसके उत्तर यदि आप जाते हैं तो आपको फिर मंगोलिया है,
जो बड़ा देश होता था उसको काट करके उसका नाम आज भी इनर मंगोलिया है। उसके और पूर्व यदि आप जाते हैं उत्तर पूर्व में तो वह मंचूरिया है। तो इतने जो सारे क्षेत्र हैं ये सारे के सारे इन क्षेत्रों पर चीन कम्युनिस्ट चीन का अवैध अधिकार है और इस अवैध अधिकार को सीधे बिना लाग लपेट के यदि भारत का बौद्धिक वर्ग यदि भारत की सरकार इस विषय को उठा ले तो मैं ये मानता हूं कि संसार में चीन अपने आप को बचा नहीं सकता। चीन के बचने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। चीन के पास मुंह दिखाने का भी कोई अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि इस पर कोई बोलता नहीं। अमेरिका ने अभी तक तिब्बत को नहीं माना है चीन का हिस्सा और तिब्बत के लिए वहां काम करता है, लेकिन शेष देश जो हैं चाहे वो चुप्पी साध लें चाहे जैसे करें लेकिन वे चीन के विरोध में नहीं बोलते। हम तो चीन के विरोध में इसलिए भी बोले हैं कि हमसे ज्यादा किसने झेला है चीन को, केवल तिब्बत नहीं गया, तिब्बत के बाद भी साथ में 1962 के युद्ध में अस्काई चीन गया हमारा, तो जो बड़ा क्षेत्र था। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हमें चीन का जो अवैध अस्तित्व है या अवैध विस्तार है उसको चुनौती देनी होगी। हमें बचाव में नहीं आना है, हमें यह नहीं कहना है कि उसने हमारा नाम बदल दिया, हमें सीधा कहना है कि तुम्हारा तिब्बत पर अधिकार अवैध है, तिब्बत तुम खाली करो, तुर्किस्तान से तुम पीछे जाओ, इनर मंगोलिया को तुम छोड़ो, मंचूरिया से तुम हटो। यदि हम ये कहना आरंभ करेंगे तो चीन आप समझिए सिकुड़ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनय में चीन की थूथू हो जाएगी। क्योंकि अभी तक चीन को किसी ने ऐसा कहा नहीं है इसलिए चीन बढ़ता जा रहा है और यह बढ़ने का प्रयास करता है। दूसरा इसका एक और पहलू कि चीन युद्ध में किसी से जीतता नहीं है, चीन युद्ध करता नहीं है, उसका जो युद्ध भी है वो बड़े बचाव का है। अभी आपको ज्ञात होगा कि पिछले 45 वर्षों चीन का जो आखिरी युद्ध था वो वियतनाम से था, उसके बाद उसने कभी युद्ध नहीं किया है। चीन के लोग युद्ध करना भी नहीं चाहते, उनको युद्ध से कोई युद्ध में कोई रुचि नहीं है। और चीन की जो सैन्य प्रणाली है उस पर सौभाग्य से हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जिन्होंने गहरी कहिए कि जानकारी हम लोगों को दी है और उससे हमें पता है कि चीन की जो सैन्य प्रणाली है वो कितनी खोखली है और उथली है। इसलिए हमें भय का कोई कारण नहीं है, हमें भयभीत होने का कोई कारण हमें समझ में नहीं आता। इसलिए मैं मानता हूं कि यह विषय तो दीदी का है और दीदी की पुस्तक पढ़ के ही या दीदी ने जैसा दिशा निर्देश मुझे दिया था अन्य पुस्तकों को पढ़ने का उसके आधार पर मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। अंतिम बात यह है कि चीन को समझने के लिए चीन की दीवार को देखिए, हालांकि वह भी भ्रमित करने वाली दीवार है क्योंकि चीन की दीवार 16वीं शताब्दी तक बनाई गई है, इसलिए यह कहना भी उचित नहीं होगा कि वो बड़ी पुरानी है और पुराना उसका क्या है। लेकिन जैसे तैसे भी उस दीवार को यदि आप स्वीकार करते हैं तो चीन ने अपनी रक्षा के लिए दीवार बनाई ना, बहुत सारे इतिहासकार बात करते हैं, तो चीन वही है जहां उसकी दीवार है। उस दीवार से बाहर चीन का होना अपने आप में कहिए कि अनर्थकारी है और ये चीन कम्युनिस्ट चीन ने अनर्थ किया है, उस अनर्थ को हमें सामने रखना पड़ेगा। अंतिम वाक्य मेरा यह है कि चीन का जो अस्तित्व है वह आज संकट में इसलिए आ गया है कि जो कुछ भी किया गया है वो कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया है और कम्युनिज्म एक विचार के रूप में धूल धूसरित होकर के समाप्त हो चुका है, उसका नामलेवा संसार में नहीं है और संभवतः कोई ढंग का व्यक्ति तो उसका बचाव भी नहीं कर सकता। हमारे देश में भी अनेक उदाहरण है। अब हमारी यह हालत हो गई कि कम्युनिस्ट जो है वो दूसरा कुछ बन के दूसरे उसी आवरण में वही बात कहना चाहते हैं। मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन कम्युनिस्ट चीन जो है वो घोर संकट में है।
वैचारिक रूप से और अंत में आर्थिक रूप से भी, जो उसकी आर्थिक स्थिति आप देखेंगे कि अभी 4-5 दिन पहले की घटना है कि जहां पाकिस्तान में उसका सीपेक पूरी तरह असफल हो गया, चीनियों को वहां मारा गया और चीनियों को यह कह दिया गया या उनको यह एहसास हो गया है कि उनकी प्राण रक्षा पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान का आरोप यह है कि चीन हमसे कभी खुल के बात नहीं करता, चीन के लोग कहां रहते हैं नहीं रहते वो जानकारी हमें नहीं देते, और चूंकि ये सारा मामला बड़ा ही गुपचुप गुपचुप होता है तो हम उनको सुरक्षा कैसे प्रदान करें। और उसी के साथ क्या हुआ है, आज से मात्र 4 या 5 दिन पहले, ये बड़े गर्व का विषय है कि म्यांमार का जो एकमात्र सबसे बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट है, वह भारत सरकार ने ले लिया है। और अब आप देखिए ध्यान से तो इजराइल का पोर्ट भारत चला रहा है, चाहवार का पोर्ट ईरान में भारत चला रहा है, श्रीलंका का पोर्ट भारत चला रहा है, और अब म्यांमार का पोर्ट 4 दिन पहले मिला है और यह पोर्ट भी भारत के अधिकार में आ गया है। इस पोर्ट ने, क्योंकि म्यांमार पे अप्रत्यक्ष रूप से आप जानते हैं चीन का बहुत रहा है, तो उसको भारत ने उसकी कमर तोड़ दी है। तो इस प्रकार से भारत अनेक प्रकार से आक्रामक स्थिति में है। मेरा बस एक ही विचार है कि वैचारिक स्तर पे हम आक्रामक हो जाएं, बचाव की मुद्रा से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, आक्रामक मुद्रा से ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और जो इस विषय की सचमुच के अधिकारी हैं दीदी, उनको मैं ये विषय सौंपता हूं। अब मंच आपका है दीदी जी। मैं भैया के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। भारत सरकार में पदस्थ होते हुए भी जब राष्ट्र का विषय आया तो उनको किंतु परंतु नहीं सूझा। मैं उनकी जगह होती तो किसी को सिखा पढ़ा के उससे बुलवाती स्वयं न हो। तो ये बहुत बड़े साहस की बात है और ये साहस आता है जानकार होने से, ज्ञान होने से। ये जो लोग बचाव की मुद्रा में है, इनको कुछ पते नहीं है, इनको इस तक का नहीं पता है। ये जो है, ये नेशनल जियोग्राफी का एटलस ऑफ चाइना है भाई। ये तो मॉडर्न यूरो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल सेगमेंट ने छापा है ना, और ये एटलस छापा है सर मैं नहीं बता पा रही, जहां तक मुझे याद है 2000 के आसपास छपा है। इसका केवल एक पृष्ठ उठा ले, पृष्ठ संख्या 100, तो केवल एक चीज में दिखा रही हूं, ये पेज 100 पर ये देखिए, ये जो पहला नक्शा दिख रहा है, ये वाला ये जो लाल है, इतना बड़ा चीन है। आज से 2300 साल पहले, 25,000 साल पहले, 28,000, 5,000, 7,000 नहीं, आज से केवल 2300 साल पहले। और ये नक्शे का अप्रूवल किसका है, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को बंदी बना रखा है। चीन भारत से युद्ध नहीं कर रहा है, चीन रूस से, जापान से, ताइवान से युद्ध नहीं कर रहा है, ये दुष्टता पूर्वक कार्य कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी, इसका वर्तमान मुखिया है शी जिनपिंग, और जिसके पहले 4 मुखिया लोग का नाम मैं ले लू, वो चाउ एन लाई, वो डेंग, वो पिंग, उस कम्युनिस्ट पार्टी की ये सारी दुष्टता है। और इस कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार भी चीन तो इतना सा देश है। ये 2 पुस्तकें मैं और दिखा रही हूँ, हमारे राजनाथ सिंह जी को ये सब जानना चाहिए भाई।
हमारे विदेश विभाग को ये सब जानना चाहिए, हमारे एस जयशंकर को जानना चाहिए और नहीं जानते हैं। तो शनिन भैया के कहने से तो मुद्रा बदले ही नहीं, वो बचाव ही बचाव रहेगी। अरे भाई दो नाम तो सुने लो, पाहियान का और वेंग सोंग का। इन दोनों पुस्तकों की खासियत क्या है? ये यूरो अमेरिकन एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूव्ड है और ये चाइना पर जिस कम्युनिस्ट रेजिम का कब्जा है उससे भी अप्रूव्ड है। यानी ये ऑफिशियल वर्जन है दोनों का। और ये दोनों ऑफिशियल वर्जन क्या कह रहा है? एक आया है पांचवी शताब्दी में और एक आया है सातवीं शताब्दी में। वेंग सोंग और फाहियान कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं, अपने रास्ते का वर्णन कर रहे हैं, दुनिया भर की कथा कहानी कह रहे हैं। ये सब मैं सत्तोलॉजी पर बता चुकी हूँ। तो ये चीन की जो सीमा बता रहे हैं भाई, पांचवी शताब्दी में सातवीं शताब्दी में, यानी आज से 1500 और 1300 साल पहले, और अभी जो मैंने नक्शा देखा आज से 2300 साल पहले, ये तो इतना सा चीन है भाई। और शैलेंद्र जी ने जिस अरुणाचल प्रदेश की और जिस तिब्बत की बात की, 15 अगस्त 1947 को ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। 15 अगस्त 1947 को तिब्बत, सिक्किम, किन का इससे कोई लेना देना है, न कम्युनिस्ट रेजिम का इससे कोई लेना देना है। क्यों? कम्युनिस्ट रेजिम ने शासन संभाला है अक्टूबर 1949 में। तो जो जम्मू कश्मीर के महाराजा है वो जम्मू के, कश्मीर के और त्रिविस्टप तिब्बत के महाराजाधिराज है। वहां से टैक्स भारत के ट्रेजरी में जमा हो रहा है। एक बार 15 अगस्त 1947 के बाद स्टालिन से थप्पड़ खा के आधा कम्युनिस्ट या पूरा कम्युनिस्ट या डेढ़ कम्युनिस्ट जवाहरलाल नेहरू तय करता है तिब्बत पर कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन का, चीनी ऑक्यूपेशन का नहीं। चीन तो सिर्फ कम्युनिस्ट ऑक्यूपेशन में अक्टूबर 1949 में आ चुका है। स्टालिन और ट्रूमैन के कारण कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो तिब्बत भारत का अभिन्न अंग है 15 अगस्त 1947 को। और जिसको समस्या कह रहे हैं, सिक्किम कह रहे हैं या चाइनीज तुर्किस्तान कह रहे हैं, ये कुछ शब्द है चाइनीज तुर्किस्तान, यानी तुर्किस्तान मूल है। अब इस पर चाइनीज कब्जा ना, इस पर कम्युनिस्ट कब्जा है। 15 अगस्त 1947 को भारत का रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश एजेंट बैठा हुआ है ना, इसको भी तो 1950 में हैंडओवर किया है नेहरू ने, जो कि एक देशद्रोह भरा कदम है, जिसको मोदी सरकार क्यों स्वीकार कर रही है भाई। तिब्बत चीन का अंग न था न है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंग हो नहीं सकता है। जिसको सोवियत रूस कह रहे हैं, उस सोवियत रूस ने ये जो पांच स्थान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इस पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर रखा था ना, रूस वाले कम्युनिस्टों ने, में खत्म हो गया। उसी प्रकार से क्या हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, क्या हमारे विदेश मंत्रालय को मोटी मोटी चीजें नहीं पता है? ये भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तो भैया पतली सी किताब ले लो ना, एकदम पतली सी,
सौ सवा सौ पन्ने की बूटी बूटी बातें कह रही है। क्या बूटी बात कह रही है? कम्युनिस्ट रिजीम जिसने चाइना को, जैसा शैलेंद्र भैया ने बताया, मंचूरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान, तिब्बत, और केवल इतना नहीं, दो छूट गया हैनान और चीन पर जो कब्जा कर रखा है वो इलीगल है, इलेजिटिमेट है। किसकी दृष्टि में? यूरो अमेरिकन एकेडमिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रेजिम के दृष्टि में भी। कम्युनिस्टों से, कम्युनिस्टों ने जो सत्ता ली है वो चांग काई शेख से ली है ना, ली नहीं है, दिया गया है। चांग काई शेख ने सत्ता ली है मांचुओं से, जिन मांचुओं का चीन पर साम्राज्य है, चीन जिन मांचुओं का मंगोलों का गुलाम है। अरे क्यों नहीं हमारा देश गुलाम कह रहा है कि भाई तुम सदा से हमारे गुलाम हो? नहीं विश्वास हो रहा है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वही यूरो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ चाइना छापा है, इसी को खोल के पढ़ लो भाई। चीन के 2300 साल के इतिहास में 1800 साल इसके नॉर्दर्न नेबर्स ने कब्जा कर रखा है, और स्वयं ये कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के पहले के चीन के इतिहासकार अपने को इनका गुलाम बताते हैं। और ये जो पिट जैसा निकला हुआ है पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर तो 9th century AD तक, यानी आज से 1100 साल पहले तक, एक पिट नहीं है भाई, एक पिट नहीं है, क्यों नहीं है? ये जो नदी है जिसको पीली नदी कहते हैं, गांगो कहते हैं गंगा जी के नाम पर, इसमें ऐसा है, ये पूरा क्षेत्र तो दलदली है भाई। इस दलदली क्षेत्र में चंपा से, वियतनाम से, हिंदू सनातनी सम्राट में तमिल व्यापारियों ने, चंपा के लोगों ने धान की वो किस्में ले गए जो दलदल में होता है। चीनी लोग तो धान खाना जानते ही नहीं थे भाई, चीनी लोग तो थोड़ा गेहूं, थोड़ा बार्ली, थोड़ा जौ और इसी तरह की चीजें खाना जानते थे ना। ये तो ओवन रिकॉर्ड है ना भाई, शैलेंद्र भैया का साहस, उनकी जानकारी, और जो बचाव की मुद्दा कहते हैं हमारे विदेश विभाग को और हमारे रक्षा विभाग को, अगर ये मोटी मोटी जानकारी नहीं है तो क्या कहूं। 10 साल से ये मोदी जी के हाथ में है ना, नेहरू के देशद्रोह के कार्यों को वर्तमान सरकार क्यों स्वीकार कर रही है, जब स्वयं चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का उदाहरण है कि वो अपने पूर्ववर्ती सरकारों के कमिटमेंट को नहीं स्वीकार। तो ये 4-5 बात कहने के बाद हम इस बात को पुनः कह रहे हैं जो चंद भैया ने कहा, भाई तब से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो तिब्बतियों के भी गुलाम रहे हो, तुम तो उइगरों के भी गुलाम रहे हो, तुम तो मंगोलिया वाले के भी गुलाम रहे हो, युवान वंश के, तुम तो मांचुओं के भी गुलाम रहे हो, और संपूर्ण दक्षिणी चीन भारतीय क्षेत्र है, यहाँ भगवान शंकर है, जहाँ गणेश जी है, जहाँ नटराज है, जहाँ अनेकानेक देवी देवता है, भाई चीन तुम्हारा नाम भी भारतीयों ने रखा है। 1900
ग्यारह नहीं 1930 31 तक चीन के मांचू सम्राटों से भारत ये ट्रिब्यूट आता है। कई लोग कहेंगे जी 1911 में तो वो जापान चले गए थे। कुशमिता जी आपका तिब्बतियों के निर्वासित सरकार, आप हेडफोन लगाइए क्योंकि वो बहुत सारा नॉइज इंटरफेरेंस आ रहा है उस पे स्क्रीन पे। हाँ बहुत मूसलाधार बरसात हो रही है। अच्छा अच्छा वो बहुत नॉइज आ रहा है उसके ऊपर, तो आपको जोर से नहीं चलाना नहीं पड़ेगा फिर। बोलिए। नहीं आ रही। हेलो। हाँ अब आ रही है। यस यस अब बोलिए। अब आवाज आई। अब जी तो यहाँ मूसलाधार बरसात हो रही है, शायद इसके कारण आज की दिक्कत है। अब ठीक है, अब ठीक है, इसको मुंह के पास रखिए, अब क्लियर है। अब आपको जोर से नहीं बोलना पड़ेगा जी। तो अमेरिकन जो उनका जो भी विदेश विभाग है उसका जो नाम है उसके पब्लिकेशंस में लगातार आ रहा है कम्युनिस्ट प्रिज्म ऑफ नेशंस, देशों को कम्युनिस्ट जेल में डाला हुआ। कौन देश? मंचूरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान, तिब्बत और नीचे ईरान और चीन स्वयं। तो ये तो राष्ट्र रक्षा में तो सदा बढ़ के दावे किए जाते हैं। अगर मुझे मोदी जी विदेश विभाग दे दे या कोई स्पोक्स पर्सन बना दे तो चीन पर ही दावा कर दूंगी कि चीन तो 5000 साल से या और 10-20 हजार साल से हमारे द्वारा शासित एक प्रदेश रहा है और हमारे पास एक नहीं अनेकानेक लिटरेरी एविडेंस है जो उतने हजारों साल से यथावत चले आ रहे हैं महाभारत। तो इस पर मैं रुक रही हूं। बहुत ही सुंदर। एक्चुअली इसके बारे में आपने तो मेरी बुक पढ़ी है ओरिजिनल एटलस, मैंने उसमें सारे जगह दे दी है चीन में जो भारतीय से कनेक्टेड है, सारी जगह दे दी है। और उसमें तो जब मैं सर्च कर रहा था हर जगह त्रिशूल की पूजा हो रही है चीन के पूर्वी दिशा में, मंगोलिया, इनर मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, तिब्बत में भी। तिब्बत के लोग बुद्धिस्ट पता नहीं क्यों मान लेते हैं, ये दलाई लामा की वजह से है, लेकिन बुद्धिस्ट कंट्री नहीं है वो, सनातन धर्म की कंट्री है। किम पुरुष वर्ष, तो चलन जी कुछ पावर पॉइंट्स आप ऐड करेंगे जो छूट गए हैं? मैं तो ध्यान से दीदी को सुन रहा था और मेरा मनोबल बढ़ रहा था। एक मैं छोटा सा एक संस्मरण और सुनाना चाहता हूं जो आज जो है इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। अब देखिए मैं तो मनोवृत्ति की बात करता हूं, हमारे देश के बौद्धिक वर्ग की क्या मनोवृत्ति है। उसमें कैप्शन छपा हुआ है तिब्बत को लेके कि लेट्स कॉल इट दलाईलाबाद। अब ये जो दलाई लामा है तो दलाईलाबाद ऐसे कुछ बना दिया। अब मेरा कहना फिर वही है कि आप चीन जो चाह रहा है उसमें क्यों घुस रहे हैं? चीन जो नाम बदल रहा है, जो चीन है, आप उसी को क्यों चुनौती नहीं देते? उसके अस्तित्व को क्यों नहीं चुनौती देते आप कि कहते कि भाई तुम्हारा क्या है पहले तुम बताओ, तुम भूल जाओ एक मिनट के लिए अरुणाचल को, तुम बताओ तुम्हारा क्या अधिकार है। और जो दीदी ने प्रमाण दिखाए हैं, चीन के पास में कोई भी प्रमाण नहीं है सिद्ध करने के लिए उसकी प्राचीनता को लेकर कि वो यह सिद्ध करे कि कौन कौन सा क्षेत्र उसका है। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं जो जॉन की पुस्तक में लिखी हुई है बात कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। ऐसा है नहीं कि यहां लोकतंत्र हो और 5 साल पर सरकार बदल जाती है, लेकिन आप सोचिए कि वहां कितना गहरा बौद्धिक संकट है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने
कि 1949 के बाद से लेके अभी 10-15 साल पहले, जबकि वो पुस्तक लिखी गई है जॉन की उस कालावधि में, जो कि लगभग मान लीजिए आपकी 50 वर्ष होते हैं या 60 वर्ष होते हैं, 60 वर्षों में चीन में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उस इतिहास को या चीन के इतिहास को कह लीजिए मोटे तौर पर, 4 बार बदला गया। अर्थात चीन को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतिहास के किस संस्करण को, किस स्वरूप को हम अपनाएं। इतिहास उठाते हैं, उसमें सुधार परिष्कार करने का प्रयास करते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, फिर उनके सामने संकट खड़ा हो जाता है। दीदी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है तारिम की घाटी का, और वहां जो फौजियों की जो मूर्तियां मिली हैं, तो आप देखेंगे तो आपके सामने फिर एक नया संकट आ जाएगा कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं वो चीनी है ही नहीं। उससे भी बड़ा संकट उसकी भाषा है, जिस भाषा में आम इमली समझना हमारे लिए कठिन है। और भाषा क्या है? वो चित्रलिपि है, चित्र के हिसाब से लिपि बनाई गई है, उसमें बहुत कुछ विचारों तेजक बातें समझाना, लिखना, वर्णन करना, और कोई और समझ ले दूसरी भाषा में, उसका अनुवाद सहजता से हो जाइए और कठिन बात। जैसे हमारे यहां नदियों के नाम है, शहरों के नाम है, प्रांतों के नाम है, सब कुछ के नाम है, एक गांव के 4 हिस्से होते उनका भी नाम होता, अद्भुत है हमारे यहां नामकरण की प्रक्रिया। और ऐसा ही संसार के सभी समाजों में होता है, लेकिन चीन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उत्तर में झील है, दक्षिण में पर्वत है, इसके अतिरिक्त कोई वर्णन नहीं है, कोई एक नाम नहीं है। तो इसलिए चीन के सामने, चीन के पास प्रमाण नहीं है, उसके पास साक्ष्य नहीं है, महाभारत जैसा ग्रंथ नहीं है, जबकि महाभारत हमारे प्राचीन शास्त्रों के, हमारे पास जो पुस्तकें हैं उनमें यह पुस्तक नवीनतम है, सबसे बाद का ग्रंथ है, जिसकी आयु आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ 5400 वर्ष हुए, जबकि जो पुराने ग्रंथ हैं, रामायण को आप ले लें, वेद को ले लें, तो ये तो पता नहीं कितने हजारों वर्ष पुराने हैं। तो चीन की समस्या है कि वह अपने प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए संसार में कोई साक्ष्य जो प्रामाणिक हो वो नहीं रख सकता। तो हमारे लिए स्थिति बहुत सुदृढ़ है और हमें आक्रामक होने की आवश्यकता है। और जैसे दीदी ने बताया, अब अनेक बातें हैं, आप सोचिए आप दंग रह जाएंगे जान के कि एक जर्मन है, उसने सिल्क रूट का विचार को जन्म दिया। अब सिल्क रोड है कि नहीं है, सिल्क रूट है नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। एक जर्मनी का व्यक्ति यह नाम देता है और यह नाम चल जाता है। हम चुनौती क्यों नहीं दे सकते? प्रश्न कीजिए कि कहां है रेशम का मार्ग, और रेशम का मार्ग संयोग से हमने संस्कृत साहित्य में देखा है तो रेशम शब्द जो है रश्मि का भ्रंश, रश्मि शब्द हमारे लिए बहुत प्राचीन, और बाद में पता नहीं कब एक शब्द बना था चिनांशुक, जिसको कहा गया चीन का अंशुक, उसका मतलब है चीन का रेशम। लेकिन जो वस्तुतः हमारा अपना शब्द है जो बहुत प्राचीन है वह है रश्मि, और उस रश्मि का भ्रंश रेशम है जिसको हम सिल्क कहते हैं। तो पता नहीं चीन में सिल्क था नहीं था, कब से हुआ, यदि हुआ तो। और सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि चीन शब्द ही भारत का दिया हुआ है, चीन शब्द से ही चाइना बन गया, और यूरोप के अन्यत्र लोग आज चीन को चीन कह रहे हैं, यह नाम चल पड़ा है, अन्यथा चीन तो आज भी अपने आप को जुआंग हुआ कहता है, वो चीन जानता नहीं है कि चीन क्या होता है। रूसी भाषा का मैंने अध्ययन किया है, रूसी भाषा में चीन को किताई कहा गया,
और यह किताई कहां से आया? किताई आया है कई शब्दों से, जिसको का मूल शब्द तो है खुतन, जो मैं अभी बाबरनामा पढ़ रहा हूं तो उसमें मुझे मिल रहा है, वो है खुतन। उसी को खोतान बना दिया, उसी को कुस्तन बना दिया, और उसी को बिगाड़ते बिगाड़ते नाम दे दिया कैथे। और आज भी जो हांगकांग की एयरलाइन है उसका नाम है कैथे पैसिफिक। तो यह कुस्तन से ही और वो खुतन से ही निकला हुआ शब्द है। तो फिर भी आपको चीन क्या है ये हमको जानना चाहिए। बौद्धिक वर्ग में मुझे ऐसा लगता है कि चीन के अलग अलग अंगों पर, जैसे उसकी सैन्य शक्ति क्या है, उसकी आर्थिक शक्ति क्या है, इस पर भारतीय विद्वानों ने बहुत विचार किया है, बहुत पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन चीन का जो इतिहास है और उसके जो दावे हैं इतिहास के आधार पर, वे कितने खोखले हैं, इस ओर ध्यान दिलाने वाली मुझे लगता है केवल हमारी दीदी हैं। और उन्होंने जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है, और उस कार्य से हमारे बौद्धिक वर्ग को सीखना चाहिए, और जिनमें क्षमता हो उस कार्य को और आगे बढ़ाएं और शोध करें। चीन जाना कठिन है, लेकिन वहां पर ज्ञान अर्जन तो और भी कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय लाखों की संख्या में वहां आज रह रहे हैं, जाते हैं आते हैं, लेकिन कोई ऐसा विद्वान वहां जाए और आज भी यदि वो जांच परख करे, शोध करे, तो बहुत कुछ वहां से निकाल के ला सकता है। उसी तरह मंगोलिया है, जहां हम भी सोचते हैं कि कभी जाएं, और आज मुझे एक जानकारी मिली कि एक टीम गई थी भारतीय सांसदों की मंगोलिया, और मंगोलिया जब वो टीम पहुंची और वहां के विद्वानों से हमारे सांसदों की बातचीत हुई, तो ये सारे लोग दंग रह गए, क्योंकि हमारे ही सांसदों को ये ज्ञात नहीं था कि चीन ने मंगोलिया के कितने बड़े क्षेत्र पर अधिकार जमाया हुआ। ये सांसदों की बात मैं कर रहा हूं, और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, कुछ ही वर्षों पुरानी है, और ये कहीं कुछ समाचार पत्रों में इन्होंने अपने संस्मरण बताए थे तो लोगों ने छापा था उसको। तो मंगोलिया से यदि हमारा संपर्क जितना सघन हो और जितनी हमारी नजदीकी बढ़े, हम बहुत कुछ ढूंढ के निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि मंगोलिया बड़ा देश था और उसने चीन पर लंबे समय तक शासन भी किया है, और उसका जो कुछ भी है दीदी को पता ही है कि कुबलाई खान की पालकी उठाई थी माओ ने। आप सोचिए कि उसको, जबकि जब 1911 में क्रांति हुई थी तो वहां के नेताओं ने यह कहा था कि हम 2000 साल बाद आजाद हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हम गुलाम थे। ये उन्हीं में है, उन्हें वही कह रहे हैं, हमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो दीदी बार बार कह रही है कि 2300 साल में 1800 साल गुलाम थे, ये वहां के नेताओं ने कहा है 1911 की क्रांति के बाद। क्रांति क्या थी? वो क्रांति भी कहिए कि वेस्टर्न सपोर्टेड एक वो था, लेकिन जो भी कह लीजिए, तो वहां के नेता जब स्वयं मान रहे और मानचू को विदेशी मानते हैं, ये तो मैं बता रहा हूं डॉक्टर सुनयात सेन ने बहुत बार कहा है कि हम उसको अपना हिस्सा नहीं मानते। तो जब वो कह रहे हैं तो हमें कहने से कौन रोक सकता है? हमें क्यों डरना चाहिए? एक कवि है जिन्होंने कहा है कि भाई मैं कवि हूं, हकलाऊं क्यों? तो भारत को हकलाने की क्या आवश्यकता है? मेरा इतना ही विचार है, शेष तो दीदी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, और मैं मानता हूं कि इस पर लोग आचरण करें, शोध करें, पता करें, देखें, चीन को समझें, और तभी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चीन एक दुर्बल राष्ट्र है, स्वयं वो गुलाम है आज भी कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्टों के कारण उनके पंख फड़फड़ा रहे हैं, वहां की जनता के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, किस तरह का जीवन जी रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरा एक पड़ोसी चीनी था, वो रात को बड़ी जोर से चिल्लाता था, तो मैं एक बार उसके कमरे को खटखटाया, मैंने कहा यार तुम पागल हो गए हो? तो मैंने देखा उस समय आदित्य जी वो स्काइप चलता था, आपको याद होगा, स्काइप पे बातचीत होती थी, तो मैंने देखा उसका स्काइप ऑन है, जो कंप्यूटर का स्क्रीन ऑन है, उसके सामने चिल्ला रहा है। तो मैंने उससे फिर पूछा, वो रो भी रहा था, मैंने फिर पूछा यार तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हो गई? तो वो चीन से भागा हुआ था, चीन वो जाना नहीं चाहता था, मगर उसको अपनी माँ की याद आती थी, अपने पिता की याद आती थी, तो वो अपनी जो अपना भड़ास है वो इस तरह से निकालता था, चिल्ला चिल्ला के रात को।
तो चीन में आज भी आप गणना करके देख लीजिए, सर्वाधिक व्यक्ति सबसे अधिक संख्या में चीन से जो बाहर जाते हैं वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं, वो चीन वापस नहीं आना चाहते। एक और संस्मरण मुझे मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं मलेशिया गया तो कुआलालंपुर से गेंटिक हाईलैंड जाने के लिए मैंने एक टैक्सी ली। टैक्सी का जो ड्राइवर था वो चीनी था। तो आप जानते हैं मलेशिया में, इंडोनेशिया में बहुत सारे चीनी लोग रहते थे, आ गए थे। वो भी एक दुख भरी कहानी है कि क्यों आए इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि वहां भोजन नहीं मिलता था, कष्ट होता था। तो ड्राइवर से मैंने पूछा कि भाई तुम यहाँ आए हो, तुम्हें कई साल हो गए, लेकिन चीन तो मैंने सुना बहुत समृद्ध हो गया, तो अब क्यों नहीं चले जाते तुम वहां, तुम्हारा मलेशिया के उस चीन के सामने कुछ नहीं है, चले जाओ। उसने मुझे कहा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा मलेशिया में, लेकिन वापस चीन नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? तो उसने बहुत सारी बातें बताई कि हमारी कोई सुंदरता नहीं है, कहीं कोई सोच लेगा। और इसमें किसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि चीन सरकार कैसे चलती है। तो चीन की जो पार्टी है, उस पार्टी में आरंभ में गणना ये की गई थी माओ के समय कि चीन की आबादी का आठवां हिस्सा पार्टी में होना चाहिए। आठवां हिस्सा से अभिप्राय यह है कि हर आठ व्यक्ति में एक व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए। उसी पर वो चल रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है। अब आठवां व्यक्ति जो पार्टी का मेंबर बनता है, वह स्वयं मेंबर है, उसको पता है कि वह मेंबर है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, लेकिन उसकी पत्नी नहीं जानती है, उसके पिता नहीं जानते हैं, उसकी माता नहीं जानती है, उसकी बहन नहीं जानती है। और यह व्यक्ति जीवन भर समझिए कि एक गुप्तचर है। यह अपने परिवार का, पड़ोस का, मित्रों का, स्कूल में, कॉलेज में, रेस्टोरेंट में, जहां कहीं भी कुछ देखेगा, वह उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करेगा। और ये कलई खुलती नहीं आसानी से, वहां का समाज भी नहीं जान पाता कि यह व्यक्ति पार्टी का मेंबर है। कभी कभी बात तब खुलती है जब ये अचानक इसको कुछ मिल जाता है, या तो बहुत धन मिल जाए, या इसकी कोई पदोन्नति हो जाए, या कोई और चमत्कारी काम हो जाए, तब चीन का समाज जानता है कि अच्छा ये कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। तो ये गुप्तचर के आधार पर आप कल्पना कीजिए, हर व्यक्ति डरा रहता है। जैसे मुझे स्वयं नहीं पता कि मेरी पत्नी क्या कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर है, या मेरी बेटी मेंबर है, या मेरा बेटा मेंबर है, या मेरे पिता मेंबर है, या मेरे माँ मेंबर है, या मेरा कोई मित्र मेंबर है। तो हर व्यक्ति 24 घंटे सशंकित जीवन जीता है। वो किसी भी दूसरे शरीर से बात करने से डरता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहूंगा और ये मुझे रिपोर्ट कर देगा, फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चीन को, कम्युनिस्ट चीन के इस खूनी चंगुल से निकालना, मैं कह रहा हूं, मानवता का बहुत बड़ा उत्तम कार्य होगा। इसलिए वैसे तो पूरे संसार को नहीं हकलाना चाहिए, लेकिन हम तो पड़ोसी बन गए हैं दुर्भाग्य से, इतिहास ने हमें बना दिया है अन्य कारणों से। तो हमें तो बहुत सजग सचेत रहना है और बहुत आक्रामक रहना है। ये मेरी टिप्पणी है। दीदी यदि और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ दें, अन्यथा हम 50 मिनट हो चुके हैं। दीदी म्यूट है आप? म्यूट है दीदी। भारत सरकार ने कुछ विभागों में बंटवा दीजिए इस पुस्तक को। हाँ, सही बात। 25-50 कॉपी विदेश विभाग, रक्षा विभाग में भिजवा दीजिए। जी, जानकारी तो मिली चलेगी। ये सारा हकलाना अज्ञान के कारण है। जी, बिल्कुल। और कोई कारण नहीं, और कोई कारण। जिस दिन इनको ये मोटी मोटी बातें पता चलेंगी कि स्वयं कम्युनिस्ट रेजिम, और मैं आपको भी संकोच से कह रही हूँ, चीन कहना बंद कीजिए कम्युनिस्ट रेजिम को, ये चीन का खूनी है कम्युनिस्ट रेजिम। जो सभी चीन नहीं कर रहा है, चीन को जिसने दबोच रखा है वो कम्युनिस्ट रेजिम कर रहा है। तो हम लोगों को बार बार इस इलीगल कम्युनिस्ट रेजिम को बचना चाहिए। चीन तो इसका शिकार है, नन्हा सा, छोटा सा चीन।
आप सबको आनंद आया होगा आज के शो में, और सबको आनंद आया होगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारे सारे वीडियोस क्रिएटिव लाइसेंस में रहते हैं, आप उसके शॉर्ट्स बना सकते हैं कोई भी चैनल उस पर हम लोग, और पूरे वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन पॉपुलराइज दिस थॉट प्रोसेस। यही हमारा कंट्रीब्यूशन है सबके लिए, इस सच को आपके सामने रखें ताकि आप लोगों को बताएं। एक मेरा एक छोटी सी टिप्पणी रहेगी, जैसा भी बोला गया है, एक आक्रामक की बात की गई थी, उन्होंने बात किया था कि अभी एक कांग्रेस के कोई लीडर ने बात किया अभी कहीं पे एक प्रेस मीडिया शो में, और वो बोल रहे हैं कि भारत को अरुणाचल प्रदेश में जाने की क्या जरूरत है। ये सारे चीनी एजेंट्स हैं जो चीन के हिसाब से बात करते हैं, तो आप लोगों को सजग भी रहना चाहिए, सबको जेल में बंद करना चाहिए देशद्रोह के अपराध में। बिल्कुल, सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू पर देशद्रोह का ट्रायल चलाना चाहिए, और उनके सारे संगी साथियों, तुमने भारत के इतने बड़े भूभाग को कम्युनिस्ट रेजिम को कर लिया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था, और कितने लोगों को उनके वजह से यातनाएं सहनी पड़ रही है। हाँ, और ये काम हम अपेक्षा करते हैं 2024 के बाद मोदी सरकार करेगी। और दूसरा चीज है, ट्रेड की जब बातें करते हैं, अमेरिकन को कोई मतलब नहीं है चीन के वेलबींग से या चीनी लोगों के वेलबींग से, वो ट्रेड करते हैं चीप मैन्युफैक्चरिंग, उससे उनको मालूम है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उनको एक सस्ते माल सस्ते दाम पर कुछ दे देती है, तो सारे यूरोपीय देश उसी पे काम करते हैं, विच इज द सिवियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो वेस्टर्न कंट्रीज का भी ह्यूमन राइट्स स्लोगन जो है वो एक तरीके से पूरा इट इज अ हिपोक्रेसी नाउ, कि वो चीन में मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, वो नहीं कराना चाहिए कभी भी, क्योंकि वहां पे लोगों का शोषण होता है। और एट द सेम टाइम मैं अमेरिका की बात करता हूँ, जैसे चंद जी ने बताया चाइनीज अमेरिकन बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति चीन के बारे में बात नहीं करता कभी भी, उनको डर रहता है कि उनके कोई रिश्तेदारों को चीन में कोई नुकसान पहुंच जाएगा, ये डर रहता है। और धीरे अभी तो लोगों को पता भी लगा है, चाइनीज पुलिस स्टेशन इन यूएसए लीगलाइज्ड पुलिस स्टेशन, चीन के पुलिस स्टेशन बने हुए हैं उनके अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए, ये चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो उसके लिए भी मैं तो चाहता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट में जो भी इसको सुन रहा हो उस पर तुरंत एक्शन भी ले, और ताकि प्रोटेक्ट द चाइनीज अमेरिकन जो यहाँ पे सिटीजनशिप बन चुके हैं। और भारतीयों को भी मैं बोलूंगा कि अपना ट्रेड जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, बिकॉज द मोमेंट यू सपोर्ट द ट्रेड रिलेशनशिप आपको सस्ता माल तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, जिसका मानव अधिकार पे बात करने का अधिकार तो सिर्फ हम ही लोगों का है, सनातन धर्म वालों को ही है, और किसी को नहीं है, और किसी को इसका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मानव के बारे में बात हम ही लोग करते हैं, ह्यूमन नहीं है मानव, इज ए मानव। मैं यहीं पे शो को रोकता हूँ, थैंक यू वेरी मच कुसुमलता केडिया जी, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, एंड आई थैंक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार फॉर चूजिंग दिस टॉपिक एंड अरेंजिंग दिस शो, है ना। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, एंड ऑल द व्यूअर्स आप जरूर जुड़िए और हमको अपना फीडबैक जरूर दीजिए। टिल देन अगले शो तक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।